देखो जो ये सोचता है ना, सदगुरु ने कोई बात कह दी और इंसान सोचे कि करूं कि नहीं करूं, सोच लेना वो जिंदगी में कभी नहीं कर सकते। डिसीजन तो हाथों हाथ लिए जाते हैं। जिसने 10 मिनट भी लगा दिए समझो वो भटक गया। निर्णय उसी वक्त लो। कई जना के कने कने थोड़ो लोग झूलो ले रो न हो जू बैराग ले लू संसार में धाप क्यों ओई तो हो जियो जड़े तो ताबरो बिना मन तो लागे कोन पोता पोती बिना सिंगे कोनी चाय टेम मात नहीं मिली मात तो चढ़ जाई ओयो बैराग। सोच लिया तो तुरंत कर लो। नरसी जी को अभी रो अभी करण तैयार हूं लेकिन मने तो सच्चो सुख चाहिए। संपत्ति में सुख नहीं है। और वर्णन आवे संत नर हरिदास जी जैसे ही कहो के नरसी छोड़ दे त्याग तो नरसी जी एक करी ना दूजी और लहर उठी बैराग की कर्म भय चकचूर। लहर उठी बैराग की कर्म भय चकचूर। विषय कामना सब की लगे मोह चकचूर। विषय कामना सब की भगे मोह चकचूर। द्वादश मास ही माही तीनों द्रव्य लुटाय सब। द्वादश मास ही माही देश दिशा कर सब सुनी कुंडी चाले नाई। देश दिशा कर सब सुनी कुंडी चाले नाई। तीनों द्रव्य लुटाय सब द्वादश मास ही माही। 21 पीढ़ी खावे जितो धन 12 महीना रे मायने मायने। जरूरतमंदों में बांट दियो। मंदिर बनवाई दिया। धर्मशालाओं बनवाई दी। भंडारा कर दिया। अब 12 महीना पूरा होया जठ नरसी जी केड़ा हो गया। हम राम जी के राम जी हमारे केड़ा हो। देखो आपा कोई दुकान में जावा नहीं बटे अगर बर्निया में सामान पड़ी हो आपा पूछा इमे कही है इमे कही है ओ कहीं भाव है, है? तो गयो एक पूछने वास्ते कि भाई इमे कहीं राखोड़ो है मार लेवणो है इमे कहीं सामान है बताओ इमे कहीं सामान है। तो 5-7 बर्नियों में हेड जी रे सामान हो हेड जी बताई दियो। पूछन वाला भी कोई साधारण नहीं आ। कोई महात्मा जी ने कोई चीज की जरूरत पड़ गई कि महाराज वे बर्नी में क्या है। वो बर्नी खाली थी तो हेड जी कहे उमे तो रोम जी रोम है बाकी सब में तो भरियोड़ी जने सामान रा नाम बताया लेकिन जो खाली थी उसमें क्या कहा इमे तो रोम जी रोम है। और महात्मा जी तो भेरे गुरु मिल गए सिखन वाले में कठे भी कोई मिल सके। अरे जब तक अंदर से कुछ भी भरा हुआ है तब तक भगवान नहीं दिखता। जब सबसे खाली हो जाओगे तो राम जी रोम दिखाई दे जाएगा। जब खाली होंगे तभी राम जी राम दिखाई देंगे। जो खाली था उसमें राम था। आज नरसी जी ने बड़ी शांति मिली क्योंकि संग्रह में शांति नहीं है। शांति तो त्याग में ही मिले। और जैसे ही त्याग करियो सारो द्रव्य लुटायो तो संत महाराज एक बात और कही कि नर हरिदास जी कहो कि नरसी जब सब लुट जावे नी ही दो भोलेनाथ रे मंदिर जाई जे प्रो शिव जी ने खूब मनाई जे लेकिन जब परमात्मा का मार्ग पकड़ोगे तो संसार संसार नहीं ये देवी देवता भी विघ्न उत्पन्न करते हैं। देवी देवता भी देखे भगवान भेजे के देखो कच्चो पक्को है के पूरो पकोड़ो तो अठे बहुत प्रलोभन बीच में आवेला। लेकिन तू जब तक सेवा कर तो रहिए जब तक शिव जी प्रकट नहीं हुए। और शिव जी प्रकट होकर अगर संसारिक वस्तुओं देने की बात करे तो तू एक चीज कहिजे मुझे और कछु ना चाहिए मुझे राधा कृष्ण मिलइए। हंसिए मत आजीवी कमजोरी है। छोटी मोटी कोई सिद्धि मिल जावे तो या तो चमत्कार दिखावना शुरू कर दे
और या पछे खुद भोगनो शुरू कर दे। तो वटे कोई सिद्धि विद्धि मत मांग जे, एक ही मांग जे मोको और कछु ना चाहिए, मने राधा कृष्ण। याद आई गुरुजी री बात। पहुंच गया शिवजी रे मंदिर में, सर्दी रो महीनो, उठाई गागर शिवलिंग स्थापित, ऊपर लागोड़ी जारी। अब तो नरसी जी दे हांडा चढ़ाई रिया और शिव जी रे माथे जल, माथे जल, जल माथे जल, जल माथे जल। एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, एड़ो वर्णन आवे सात दिन तक। ओ मैं तो शिव ही शिव को ध्याओ, जल सोय स्नान कराओ। शिव ही शिव को ध्याओ, जल सोय स्नान कराओ। मैं तो चावल चंदन चढ़ाओ और आख धतूरा लाओ। तो चावल चंदन चढ़ाओ और आख धतूरा लाओ। शिव ही शिव को ध्याऊं, जल सोय स्नान कराऊं, मैं तो सूरत ध्यान लगाऊं, ले केला पत्र चढ़ाऊं, एजी मैं तो जल धारा बरसाऊं और मुख अगड़ बंब में गाऊं। शिवरे मंदिर में कई तरीके से लोग पूजा करे, कोई काल बजावे, कोई बम बम करे, कोई धतूरा चढ़ावे।
सूरत ध्यान लगा, बहुत ऊंची ऊंची पद्धतियों में है, पर कलयुग केवल नाम आधार। अरे नमः शिवाय को जाप करते हुए सात दिन सात रात भोलेनाथ रे तो किड़किड़ी छूट गई। ए बड़े केड़ा भगत आया, एक लोटो दो लोटो पांच लोटो, ये तो हांडा भर भर चालू है सात दिन, और मारे तो दूजनी छूट गई। और भोलेनाथ भोलेनाथ प्रसन्न भये शिवराजा वर मांगू सारो, शिवलिंग रे मो समझ गया पक्की बात। जब स्वरूप सही होता है तो परमात्मा, देखो सा स्वरूप शब्द और श्रद्धा तीनों साथ काम करेंगे तभी कुछ परिणाम आएगा। एक भी कमी है तो कनेक्शन जुड़ने में विलंब होगा, जुड़ी नहीं सकता, तीनों सही चाहिए। या तो लिंगाकार कोई मूर्ति हो तो उसमें स्वरूप की कोई बात ही नहीं, लेकिन अगर जब स्वरूप बनाया तो सब सही होना जरूरी है। तो यहां शिवलिंग थी, कोई स्वरूप का झंझट ही नहीं था। अरे कथाओं में सारी बात है, शास्त्रों में सारी बात है, अब हम आंख वाले आंख बंद कर बैठे हैं तो किसी का कसूर नहीं है। और वर्णन आवे कि शिवलिंग में से भगवान शिव प्रकट होया और कयो मांग मांग भाई मांग। अब शिव जी जाने कमारी आवे तो बींद मांगण आवे, छोरो कमारो आवे तो लुगाई मांगे, पन्नी पोती आवे तो टाबर मांगे, इंसोनरी तो एक लिमिट है मांगने की, निर्धनियो धन मांगे, ओ भेर कोई मांगना यो है। हाथ दिनों मुलार लागी कई चीजे भाई बोल। नरसी जी ने गुरुदेव री बात याद आई कि जब भोलेनाथ प्रकट हो तो प्रलोभन से बचना, जब भोलेनाथ कुछ मांगने को कहे तो प्रलोभन बीच में नहीं आना चाहिए। माने तो भाई देखो, आज री युवा पीढ़ी री भी बहुत जरूरत है, बुजुर्गों री भी बहुत जरूरत है, माताओं री भी बहुत जरूरत है, क्योंकि यहां इस पीठ के माध्यम से मैं तो कहती हूं जिसने स्वयं का सुधार किया संसार का सुधार अपने आप हो गया। आप अपने घरों खाली सिस्टम जरूर ठीक करो, इरी समस्त जानकारी थोड़ी देर में दी जाएगी। और मैं आपने पहली भी कहो कि माई रोग कथा सुनाने वाला तो आजकल टीवियों में घना ही सुनाई रिया है और बहुत बढ़िया बढ़िया पहुंचा वक्ता सुनाई रिया है, लेकिन ये व्यासपीठ रा अधिकारी तो सुखदेव जी जेड़ा कोई विरला ही है। मैं कहो नहीं वारा पिताजी भी ना बैठ पाया ये पीठ पर, व्यास जी जेड़ा ना होया ना होए, अब अरबों में कोई एक आध विरला छुपा रुस्तम कोई बैठ रिया है तो अच्छी बात है, बाकी मारी तो आप पीठ ही वास्ते है, आप थोड़ी दूर ऊंची बैठी हूं ताकि मारी बात आप समझ आ जाओ, हम ही बैठनो। बाकी भाई ज्यादा कुछ को नहीं क्यों, आज जरूर बात है कि स्वयं का सुधार करने के बाद सकारात्मकता स्थापित करने के बाद आप सबके बीच मेरी बात रखने आई हूं, गुरु कृपा से हो सके जितना इस बात को समझना और स्वयं का सुधार करना। घरों का सुधार करोगे तो गलियों का होगा, गलियों का करोगे तो गांव का होगा, और गांव का करोगे तो शहरों का, विश्वकार, देशकार सबका हो जाएगा। एक एक कब 11 होते हैं, कब अनंत संख्या हो जाती है पता नहीं चलता। हुई है हजारों मूर्तियां सही स्थापित हो चुकी है, कुछ समय के प्रयास से हजारों घरों में सही सकारात्मक फोटो पहुंच चुके हैं, प्रयास से ही सब संभव है। तो अठे वर्णन आवे कि नरसी जी जब भोलेनाथ प्रकट होया नहीं, घंटी बज गई, गुरुदेव कहो झांसे में नहीं आवना है, कुछ भी नहीं मांगना, और जो ही शिव जी प्रसन्न होकर प्रकट होया, प्रसन्न भये शिव राजा वर मांगो सारू का जा।
धुंध भये शिव राजा देवर मांगो सर साजा और कछु ना चाहिए और कछु ना चाहिए मको राधा कृष्ण मिले राधा कृष्ण मिले नन्द नरसी को जितिहारी चाहिए मोको राधा कृष्ण मिलिए और जुई आ बात कही कि और कछु ना चाहिए मोको राधा कृष्ण मिलिए और शिवजी की आंखिया में आंसू आवण लगा प्रेम अश्रु बह रिया है क्योंकि शिवजी सोच रिया है पहली बार कोई एड़ो भक्त आयो है जो मारे इष्ट देव रा दर्शन मांग रियो है भगवान से भगवान को मांग रहा है आवे जो कोई लोभी आवे आज पहली बार कोई परमात्मा हमारा इष्ट का दर्शन मांगे और भोलेनाथ रे मुंडे अकस्मात निकलियो धन नरसी बुद्धि तिहारी ते तो वर मांगियो अति भारी अस बुद्धि और को पावे पर हरि भगतन को हरि भावे ए तो कोई री बुद्धिया भटकी ओड़ी हुए वो पैसा चाहिजेर सोनो चाहिजेर परिवार चाहिजेर फलानो चाहिजेर ढीकड़ो चाहिजे पर हरी भक्त ने तो सिवाय हरी रे और कोई चोखो को नी लागे अस बुद्धि और को पावे पर हरी भक्तन को हरी भावे अब अठे दृश्य क्या है भोलेनाथ आप कदे ज्यादा खुश होवा नी शरीर में अपने आप हरकत होवन लाग जाए कई करार कई नहीं कर भोलेनाथ इतना प्रसन्न है सुन हर सित भय त्रिपुरारी नाचे गावे ते में शिवजी रे प्रेम अश्रु भरियोड़ा और नरसी जी रे हाथ में तालियां दे वाह वाह नरसी पहली बार कोई चोखो भगत मिलियो है मार तो आत्मा ही प्रसन्न होगी वाह रे नरसी वाह थने जरूर मारे इष्ट रा दर्शन करावला बोल करना है के हाँ और शिवजी खड़ा है आंख बंद हो गई इष्ट रो नाम आई आंख बंद हुई अब शिवजी रे मन में हो रही आज तो गोलोक जावणो है आज तो महाराज रा दर्शन ये भगत रे लारे मने होवेला क्योंकि मने शिवजी मने कृष्ण जी कयोड़ है कि थे कोई ने भी ला सको भोलेनाथ ने छूट दी उड़ी है भोलेनाथ किसको लाएगा जो पात्र होगा जो यहाँ आने का पात्र है उसको ही भोलेनाथ लाएंगे कब दी छूट एक दिन वो बोला भंडारी
बन कर ब्रज की नारी गोकुली भजन तो थोने आवी जे ईरो आज आप थोड़ो रस पकड़ा रस भजन तो हैंगा नहीं आवे गाँव हाँ एक पकड़ा ही है कहीं पकड़ा शिवजी री आंख बंद अंदर रस आ रही हो नरसिंह जी के मन्ने कड़े ले जाइए तो यूं ही उब गया मारे मोड़ो करावे और नरसिंह जी हाथ लगाए भोलेनाथ कट गया ब्रा भोलेनाथ के नरसी मैं एक बार गोलोक धाम गयो के कदे गया अरे पार्वती लर जिद कर गयो अच्छा हाँ पार्वती होड़े हिणगार कर जावती मैं जिद करी पर भगवान एड़ी लीला करी कि मैं पार्वती री बातों में आई हूं पार्वती री बातों में हाँ पार्वती सोला सिंगार करियोरी प्रभु महाराज री तैयारी में पार्वती जा रही है महाराज में मैं क्यों भाई आज एड़ा चूका फूट रहा बन खिद जाओ पार्वती जी कहो भोलेनाथ आज ठाकुर जी महाराज कर रिया है हैं गोपियां आई तो मैं ही जाऊं कि तू जाई तो मैं क्यों घरे बैठे रहूं मैं ही आ लूं अरे कोनी हाल सको क्या क्यों तो पार्वती जी कहो ओ मोरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुझे साथ में क्योंकि मोहन के सिवा ना दूजार कोई पुरुष आवे रास में हंसी करेगी ब्रज की नारी रे मानो रे बात हमारी भोलेनाथ के हाल और पार्वती के गए स्त्री कोई सारी स्त्री जावे पुरुष कोई कौन जावे बोले नाथ के याद हो मने ले जा नहीं तो धूल मोए जाबरी अंदर जा हुई जा थने कौन जान दू बैठी रे अरे मैं तो जाओ तो मने ले जा तो की कर ले जाओ तो कहो ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने रे किस राज को किस राज को ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को इस राज को छोड़ा एड़ी केड़ी गोपी हुए बाबा थोड़ो तो विचार करो मन ध्यान को नहीं तैयार कर बाबा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम मुझ गेंद्रहार थे तो कपूर जेड़ा गोरा फूट रहा हो पर ये शमशान री बसबी ने आदर देकर थे स्वीकार कर ली कि जिसको संसार ठुकराए उसको भोलेनाथ अपनाए और महाराज आपने संसार को बताया कि अगर प्रभु प्राप्ति में रूप बाधक बनता हो तो उस रूप को ढका हुआ ही बेहतर है और इस शमशान की भस्मी को लपेट लपेट कर लपेट लपेट कर आपने क्या हालत बनाई आपकी अरे पूरे पॉन्ड्स वाले री फैक्ट्री खाली हो जाए पर थोने गोरा करना अब मुश्किल है ट्रक भर भर पाउडर लगावना पड़ी बाबा के लगावे जो लगा पर तैयार कर अब पार्वती जी लहंगो ले राया पाउडर अजिता डब्बा खाली करिया
तैयार कर रिया है। अब पार्वती लाण पांच फुट रीर बाबो हाथ फुट रो, एक लहंगा मुकई हुई दो एक लहंगा जोड़िया, बाबा ने पेराया मां डाणी कोई मोटो पगमर पीतांबर फलाणो जो भी होई हाथों हाथ सिलाई कर पोल को तैयार करियो। ए नंदी भृंगी संगी फलाणा है नहीं बुलाए और पकड़ो पकड़ो जूडो बनाओ। अब जूडो जोयो हुए तो अरे राम जूडो। अब ये जूडे ने ढक्कन में चुनड़ी कितनी मोटी चीज है, कोई पचास एक चुनड़ी हो जोड़ी। अरे पार्वती जी के थू थू बाबा नजर लग जाई नजर लग। अब वे पलोटियार बिच्छू ठेंगा वे बार ये मैं तो उतारो सांप यूं करे बाबा हम क्या रे ले जाऊं ठे। भक्त वही है जो स्वयं से पहले अपने जुड़े हुए लोगों को परमात्मा का दर्शन करवा दे। बाबा के यहां ने पहली कराओ है कोनी उतरे और पड़ोटियों ने आने कहो थोड़ा छुप जाओ अंदर थोड़ा अंदर छुप जाओ चुनड़ी में आओ रहा हैंगो नहीं छुपाई दिया। ए लालियों भालियों लगाए काजल फाजल गल अर जूडो बूडो बना रे बाबो जोरदार सगी हम कैडी दिखे मन पूछ पूछो कल्पना कर लू। हंस कर सखी ने कहा बलिहारी जाओ रे इस रूप के इस रूप के। हंस के सखी ने कहा बलिहारी जाओ इस रूप पे है इस रूप पे। एक दिन तुम्हारे लिए आए मुरारी जी इस रूप में इस रूप में। एक दिन मुरारी आए तेरे लिए रे इस रूप में इस रूप में। अरे तो है तू सतरो पुरारी अरे मोहनी रूप तरियो पुरानी अब के मारी तुम्हारे अब तुम्हारे वृंदावन आते हर पार्वती की मना के हारी रामा ने त्रिपुरारी आते अब पार्वती जी को बाबा के जरूर तू ज्यादा फूट रहा लाग रही है हमें घूटो काट लो ये घूटे रही बहुत फायदा है भाई घूंघट निकाल लो बाबा घूंघट नजर लाग जाए। पार्वती हमजे पड़ी हमें एड़ा हाली जन तो मन कौन आवन दे इतो मोटो घूटो कटायो और बाबा ने कहो भूलो ही ठाकुर जी हम मत आई जो क्योंकि वाने पहचानन में टाइम नहीं लगेला आगा आगा उब कर रास वो आनंद लीजो हम आई जो मत घूटो उगाड़ जो मत। और मैं ये ठाकुर जी जानू ए नेड़ा नेड़ा आवेला थोड़ो घूटो उगाड़न वास्ते एड़ो काठो पकड़िया उगड़नो नहीं चीज भोलेनाथ के मनहेंग था चिंता मत कर। अब पहुंच गया महाराष्ट्र में और भोलेनाथ को नरसी मारे मायने एड़ी बीती थने कहीं बताओ मारे महीने एड़ी बीती लंबो लंबो तो घूटो और इतो लंबो चोड़ो डिगो डिगो में पार्वती तो छम छम करती ही दी महाराज में पहुंच गई मने आगोई जो बोन लियो और कहो घूटो मत उगाड़ जो। और भगवान महाराज कर रिया असंख्य गोपियों रे बीच और भगवान री नजर मारे पर पड़ी और भगवान मुरली परी नीची कर धीरे धीरे मारकने आया कोने गोपी थन पहली तो कदे देखी कोनी आज कठुआई है। पार्वती जी समझ गया मामलो बिगड़ दौड़ता आया ठाकुर जी कहो ठाकुर जी छोड़ो के क्यों आ इतनी लंबी छोड़ी कठुलाई तू गोपी कहो आ मार साथे आई है मोरे हिमालय माते कोई गणपनी जी हो बहू है
थरु महाराज देखण आई है गोटो उगाड़े कोनी भगवान के मैं तो जो मैं तो गोपी और मुंडा जो है बिना महाराज करू कोनी जो गोटो पकड़े भोलेनाथ काटो पकड़ दौड़े भोलेनाथ अटी तो भगवान अटी भोलेनाथ बटी तो भगवान अटी भगवान मन में केवे दिखावे कोनी भोलेनाथ मने भले भले रा गूटा उठावना आवे अरे भगवान ऐसी बंसी बजाए सामने भोले की सुध बिसराई सामने ऐसी बंसी बजाए सामने भोले की सुध बिसराई सामने बजाई कन्हैये नरसी एड़ी मुरली बजाई मैं स्वयं भूल गयो कि मैं पुरुष हूँ के नारी देव हूँ के देवी गोप हूँ के गोपी एड़ी मुरली बजी मारो गूटो कणे सरकियो मने ठाई कोनी पड़ी सरकियो जो सरकियो पूरो उंडर चुंदरो तो नीचे ही पड़ गयो जटाधारी में नाचन लागो और जब वो मुरली बजी तब मुझे समझ आया कि गोपी बनने के लिए वेश बदलने की जरूरत नहीं थी गोपी देव या देवी पुरुष या नारी नहीं है गोपी वो मतलब इंद्रियां जो प्रत्येक इंद्रियों से ठाकुर जी के नाम रसपान करता है लीलाओं का रसपान करता है पी मतलब पीता है वो हर जीव गोपी है चाहे वो पुरुष है चाहे वो नारी देखा मोहन ने जब समझ गए वो सारी बात रे सारी बात रे मोहन ने जब समझ गए वो सारी बात रे सारी बात रे ऐसी बताई बंसी सुध बूट फूलर बोले नाथ रे बोले नाथ रे ऐसी बताई बंसी सुध बूट फूले बोले नाथ रे सर से सर गई जब सारी सर से सर गई जब सारी मुस्काए बनवाए बोले शर्मा गए बोले शर्मा गए हर हर बती जी मना के रानी रामा ने त्रिपुरारी समझा गए जदमू मारे समझ आई जो प्रत्येक इंद्रियों से परमात्मा की लीलाओं का रसपान करता है उसको वेश बदलने की जरूरत नहीं है नरसी मैं तुझे ऐसे ही ले जाऊंगा तुझे घाघरों पहनने की जरूरत कोनी टीका नथ लगाउन री जरूरत कोनी जूडो बनाउन री जरूरत कोनी जेड़ो है वेड़ो चल क्योंकि पात्रता की जरूरत है पात्र बदलने की जरूरत नहीं है पात्रता की जरूरत है और नरसी जी ने कहा चाल ले जाऊं और कहो जब मैं गयो नहीं
मेरी शरण में जावन वाले ने कुछ ना कुछ मिले ही है, जिन्हें वो खुद मिल जावे फिर पाने के लिए रहा ही क्या, जब वो मिल गया तो पाना बाकी रहा क्या, फिर वो स्थिति हो जाती है वो और वो जीव हम तुम एक कमरे में बंद और चाबी खो जाए। लोग कहते हैं ये वासना का गीत है, अरे तुम्हारी समझ में फर्क है, समझो हर चीज आपको कुछ ना कुछ दे रही है, जब पात्रता आती है तो वो और ये शिव और जीव एक हो जाते हैं, फिर भेद है ही नहीं, फिर ये बाहरी चाबियां खो जाती है और वर्णन आवे, और जब ये परिपक्वता आती है तो जीवन से आडंबर भाग जाता है और सरलता का प्रवेश हो जाता है। वो कहवे नहीं केहली मारी पक्की येसु आंबो नीचो रुणे रे, केहली मारी पक्की येसु आंबो नीचो रुणे रे, अकेला उतो ही झुकेला, झुकना इंसान की पहचान है, अकड़ना तो मुर्दे की शान है। आज भोलेनाथ नरसी ने कह रिया है पात्र बदलने की जरूरत नहीं, सिंगार बदलने की जरूरत नहीं, तू जैसा है वैसा तुझे लेकर जाऊंगा। और नरसी जी हाथ में मृदंग ताल लियोड़ी भोलेनाथ लर लर रवाना हो गया, पहुंच गया गोलोक धाम। आहा असंख्य गोपियां, असंख्य बीच में गोपाल, हर गोपी के साथ एक रूप बनाया उड़ा, महारास हो रियो है। नरसी ने कहो तू अठे आगो उब जा, और एक जगोड़ी मसाल पकड़ाई, नरसी ने एक जगती हुई मसाल पकड़ाई भोलेनाथ के महारास में चौनो कर जी, मैं सीधो लेजार को नहीं मिलाऊ, नहीं तो भगवान ने लागी किसी पर रसमु आयो है, मैं चाहूं कि भगवान स्वयं आकर थने अपनावे, थने उठी तक नहीं जावड़ पड़े, थारा कदम बढ़ गया है, जे तू आवे एक पग वो आवे पग साठ, अब उसकी बारी है, वो तेरी पात्रता देखकर तुझे गले लगाने आएगा, यहां खड़ा हो जा। नरसी जी खड़ा, हाथ में ले ली जलती हुई मसाल, क्योंकि भगवान रे चौनो तो भगती ज कर सके भाई, अरे करे बसरी बात को, नरसी जेड़ा भक्तरी मसाली भगवान रे चौनना करे, और मसाल लेकर खड़ा और भोलेनाथ पहुंच गया। ठाकुर जी देखिया इशारो करियो, थोरे बिना तो अधूरो है, अब जोरदार ठाकुर मुरली बजावे, एक ही कार हो रियो है परमात्मा और जीवरो। नरसी जी तो स्तब्ध है, देह भान भूल गए, कौन नरसी कौन शरीर, क्योंकि ओ जीव अंदर रो जीव तो हुए में मिल गयो, ओ महाराज ने पकड़ चुकिया है, एकदम स्तब्ध खड़ा है, शरीर रो कोई भान नहीं है, और जब जीव शरीर रो भान भूल जावे परमात्मा दौड़ तो आवे, की कर भूलिया महाराज चल रियो है,
जा पहुँचे गोलोक वृंदावन नरसिंहास रचायो रे जा पहुँचे गोलोक वृंदावन नरसिंहास रचायो रे पाय घूंघरू तमक बजावे बजावे प्रेम मगन रस पायो नरसी जी खड़ा पग छप छप कर रिया है आंखिया देख रही है लेकिन शरीर वो भान भूल गया और वो मसाल जगते 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 खत्म होने लगी इतनी सी बची वो नरसी जी रे हाथ में बाड़न लगी मसाल की अग्नि नरसी जी रे हाथ ने दर्द पहुंचावन लागी पर नरसी ने तो दर्द महसूस नहीं होए क्योंकि नरसी को शरीर तो अब भी भूल चुकिया है लेकिन नरसी को मन जब मन उसमें लग जाता है तो हमारी पीड़ा का एहसास हमें नहीं होता हमारी पीड़ा का एहसास हमारे हरि को होता है हमारे ठाकुर को आज हाथ नरसी का जल रहा है लेकिन दर्द ठाकुर जी को हो रहा और ठाकुर जी की नजर गई हाथ जलते हुए देखियो ठाकुर जी महाराष्ट्र छोड़ दियो तोड़ता हुआ नरसी ने कर आया जगती हुई मसाल हाथ में ली नीचे फेंक दी और आपरे अंग वस्त्र में नरसी रो हाथ लपेट लियो अरे भगवान हरि पूछे हर सो मुख मुड़कत सखा कहाँ ते आयो है भगवान मुस्कुरा रिया है मन में चिंता भी कि हाथ बढ़ गए लेकिन परमात्मा के चेहरे पर वही निश्चल हंसी और भगवान के भाई कटुआयो है ठंठा को नहीं पड़े थरो हाथ बढ़े नरसी रे मुंडे वो अकस्मात निकलियो खोजा सकल जहां में पाया तेरा पता नहीं अब तेरा पता चला तो अब मेरा कुछ भी पता अब मने मारी की ठाई कौन ठाकुर कहीं बड़ी और कहीं हाजो होयो तू मिल गयो ठाकुर कहीं बढ़ गयो कहीं होयो और वर्णन आवे भगवान जुई वो अंग वस्त्र में हाथ लपेटियो डो खोलियो बड़ियोड़ी पीड़ा सब शांत हो गई नरसी रो हाथ हो जेड़ो हो गयो और भोलेनाथ दौड़ता है भोलेनाथ कहे ठाकुर जी ठहरो ठहरो ओ घणो बोले कौन ईरो परिचय मैं देऊ आपने देखो मिलन करावनिया कौन है भोलेनाथ परिचय दे रिया है घर गुजरात वास जूनागढ़ न
नरसी नाम कहायो है। महाराज इरो नाम है नरसियो, इरो नाम नरसी। और महाराज छोटो मोटो भगत कोनी, थोने पावन रे वास्ते गुरु रे केवन सु 21 पीढ़ी खावजी तो धन लुटाई दियो और फिर मार मंदिर में आयो। महाराज बरे ही आले मार मात गड़ार गड़ा ढोलिया मार कड़कड़िया झूठ गी। और मैं जब प्रकट होयो और मैं कयो के मांग तो संसारी सुख कोनी मांगिया, ओ कयो मने और कछु ना चाहिए, मने राधा कृष्ण मिले। भगवान देख लिया है नरसी में धन्य है रे भगत, आयो है तो अब खाली हाथ नहीं जावण दू। मांग मांग मैं तने कुछ देवनी चाहूं। नरसी जी के जिन्हें आप मिल गए अभी रखने, अब कुछ भी मांगने नहीं है। और भगवान नरसी जी ने हृदय सु लगायो और जब नरसी जी कुछ भी नहीं मांगियो तो भगवान कही दियो रीज हरी दियो के दारो नागरिया जस गायो है। भगवान राग केदार दीवी और कयो के नरसी जब भी राग केदार गावेला थारा हर काम पूरा करने ओ सावल दौड़ तो आवे। मैं थारे हर समय साथ हूँ, हर समय आगे पीछे हूँ, पर थारे मारे बीच में जो संबंध है नी इमे पुकारन री कड़ी ओ राग केदार है। जब भी तू राग केदार गावेला मैं दौड़ तो आऊंगा। अब थारा कुछ हाल कर्म बाकी है तो वापस तो जावनो पड़े। नरसी जी री कोई इच्छा नहीं है जावन री, आंख में आंसू पड़ रिया है, भगवान रे चरणों में लेट गया। भगवान उठाकर नरसी ने हृदय सु लगा लियो, भक्ता तू और मैं तो एक ही हाँ, तू और मैं तो एक हाँ, बस संसार रे कुछ लेर देर पूरा करिया। और पहुंच गया शिव जी रे साथ मृत्यु लोग, भगवान शिव देखते ही देखते शिवलिंग में प्रवेश कर गया। और अठे नरसी जी आपरी झोपड़ी में पहुंच गया, हवेली ही पर जब मन से जब भोगने की इच्छाएं खत्म हो जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कहां रह रहे, क्या कर रहे, क्या खा रहे, क्या पी रहे। एड़ो वर्णन भी आवे कि जब पत्नी रो देहांत होयो नी, अब प्रॉपर्टी घणी होवे नी, जण परिवार वालों ने बहुत चिंता होवे खावेला कूण, थार तो लुगाई गई भरी बीड़नी काल नहीं जाने केड़ी निकले, क्या तो बीजो पनीर जा यूं कर ले, दुनिया ने चिंता घणी है पर घर में जोड़ ले। एड़ो भी वर्णन आवे कि मांडाणी ब्याह कर दियो तो दूसरो नरसी जी रो भाई बंधु भेड़ा और करे नहीं करे, डेडरिये ने तड़ाव में तो फेंकता ही रहे, तू बाहर की कर निकले डेडरिये हो जाए थोड़ो बाहर आऊं पड़ो नहीं फदा गीती जग पाछो तड़ाव में। और जब ये गटर रूपी तालाब से जब कोई कमल बनकर डेडरियो बाहर नहीं आवे, बाहर आवन रे लिए तो कमल बनकर बाहर निकलना पड़े, लेकिन कमल बनकर जब ही बाहर निकल पाओगा जब बाहर ही सारी चोटों ने सहन करने की शक्ति अंदर उत्पन्न होगी। और संसार हो रहे हाथ थोड़ी जावन दे भगवान रे रस्ते भाई है? और संसार माया रो लोभी ममता महल चुनायो, कहत कबीर सुनो रे भाई साधो हाथ कछु नहीं आयो रे भजन विन। जय जय श्री राधे। और एड़ वर्णन आवे कि जब नरसी जी रो दूजो ब्याह होयो नी, वा पत्नी पहले पत्नी रे बिल्कुल विपरीत, वा जितनी धर्म निष्ठा में साते चालती आ उतै पैर खेचती, करकस वाणी में बोलती, घरे आयोडो तो कोई आंख दिठो ही पसंद को नहीं आव तो। और नरसी जी रे तो घर भरियो चीजे भगतामु। एड़ो वर्णन आवे कि आपरी पुरानी हवेली में नरसी जी बेरागी बन बैठ गया। और एड़ो वर्णन आवे के जूनागढ़ में कोई श्राप होवेला, हर घर में एक आध कोई आंदो बांगलो जन्म ले तो
और विनय थोड़ो मोटो कर नरसी जी मंडली में छोड़ दे। हुरियारी होगी मंडली तैयार, पत्नी काटती गालियों और नरसी जी कई करता राधे कृष्ण राधे कृष्ण। नरसी जी भक्ति में ऊंचा को नहीं आता और पत्नी गालियां गाड़ती ऊंची को नहीं आती। सूर्य और मंडली ज्ञानदास मानदास ध्यानदास सूरदास। सूर्य और योगी मंडली तैयार, मांगे खावे हरिरो नाम लेवे और पत्नी बापड़ी जेडी भी पर केवे कपूत बेटे खंदे में तो कौम आवे। रोटियां तो कर घालती जी, मांगो मुंगो जो आटो दही अनाज ले आंदा पो घालती गाड़ियों काट दी। नरसी जी तो परमात्मा में रमियोड़ा वाले कोई फर्क को नहीं पड़तो, लेकिन नरसी जी में लोगों री जो विश्वास हो वो थोड़ी खत्म हो। नरसी जी रो आचरण बहुत ऊंचो हो, कोई ने भी कठी गांव में बारे जावड़ो हो तो समाचार सुनी ओड़ा होता के भाई नरसी अगर हुंडी लिखे पहली घना साधन को नहीं। लोग माग पैदल जाऊंता बैलगाड़ियों पर जाऊंता ऊंट गाड़ियों पर जाऊंता ज्यादा साधन हा कोनी। जंगलों मु सन्नाटा मु निकलनो पड़तो चोर उचक्का डाकू लूट ले उनता। इज कोई संतोरी मंडली द्वारिका धीशरा दर्शन करने खातर निकली। अब कने थोड़ी घनी संपत्ति तो चाहिए, अब जूनागढ़ अगर जावणो संपत्ति कने और जावे की कर तो के नरसी जी कने हुंडी लिखा ला। अब आने इतनी ध्यान नहीं के नरसी जी तो 21 पीढ़ी खावे जी तो लुटा चुकिया है, अब हुंडी चले के नहीं चले है? हुंडी चाले ना यो हरी। लेकिन अठे एड़ी घटना हुई के नरसी जी रहते पहली मुबिक आवता जावता संत पदार वो करता और जिमाया बिना किने भेजता कोनी। पहली उमी कुछ संत आयोड़ा और अठे भेर संतोरो आगमन हो गयो। नरसी जी रे चिंता के जिमाऊ कई आज तो की है कौन, पर भगवान ने लिए त्याग करियो तो इज्जत राखनो पत राखनो भगवान रो काम है। और अठे संत पहुंच गया द्वारका जावन वास्ते जूनागढ़ आया और नरसी जी ने एक पोटली दीवी के आ धन राशि तो आप रख लो, मने हुंडी लिखकर दे दो ताकि मने आ धन राशि द्वारका में मिल जावे, मरे लूटपाट भी नहीं होवे और तीर्थ भी हो जावे। एड़ो वर्णन आवे नरसी जी भगवान रो धन्यवाद करियो। मैं सोचतो जिमाउला की कर थे तो आखो गौ जिमाओ जेड़ी व्यवस्था कर दी और जो संतो पकड़ा ही नहीं धनराशि उम्मे तो कर दियो जोरदार भंडारो, कोई राजा महाराजा भी नहीं कर सके जेड़। और संतो रे लिए लिख दी हुंडी जितनी राशि ही उतनी राशि पाची लिख दी और कहो द्वारका में थोने सावल सेठ मारा मिलेला वो वटे हुंडी सिकार देला तीसा मिल जावेगा। भंडारा बीजा जीम जीम आए आराम करके संत तो रवाना हो गया द्वारिका वास्ते। अटे नरसी जीरो तो एक ही आधार है सांवरा गिरधारी ए गिरधारी हुंडी भेजियो स्वीकार कर लीजिए। मारे भक्तों ने घड़ो घूमना नहीं पड़े, अब संत पहुंच गया द्वारिका और हेंगो ने पूछे भाई अटे हावड़ हेट कट रहे सावल सेठ कट रहे। अब अटे तो हेंग द्वारका धीस ने जाने भाई सावल सेठ ने कौन जाने, सावलियो तो नरसिंह रो है नरसिंह रो सावल है अगर द्वारका वालों वो तो द्वारका धीश है। कोई भी बता नहीं पाया सुबह उलेर संत घूम रिया है और अठे मृदंग ताल उठाई और बैठ गया सालग राम जी रागे। देखो एक और बात बताऊं,
नरसी जी ने पहली भगवान की करमिलिया लिंग द्वारा जीरो कोई आकार नहीं, और सावल के में बैठो सालग राम में जीरो भी कोई आकार नहीं, लिंगाकार जो भी चीज है उसमें कोई रूप नहीं दियो है, तो गलतियों होने रो कोई चांस ही नहीं है। और सालग राम जी ने केवन लगा मारी हुंडी सिकारो महाराज रे सामला किरदारी, मारी हुंडी सिकारो महाराज रे सामला धारी रे मारो बंदर महारी धारी।